छह जनवरी से परीक्षा शुरू होनी थी। अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, अब परीक्षा स्थगित होने से उन्हें राहत मिली है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या जानकारी है? देखिए, लंबे समय से अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा को स्थगित कराने की और इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और अभी जिस तरह से इस भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों की जो वार्ता है वो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से हुई थी और उसके साथ ही उन्होंने सकारात्मक आश्वासन मिला था। और अब आश्वासन के बाद ये निर्णय ले लिया गया है कि जो परीक्षा है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 15 से 23 जनवरी तक ये परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि उन्हें दूसरी परीक्षा जो है वो भी क्लैश हो रही थी, साथ ही तैयारी का उन्हें सही वक्त नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में वे चाह रहे थे कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए या फिर इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। तो हालांकि सरकार की तरफ से इस मसले को लेकर के पहले भी गंभीरता दिखाई जा रही थी, लेकिन जो दूसरी भर्ती परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है अटकाव की आ रही थी। भर्ती परीक्षाएं भी आने वाले दिनों में होनी है, तो ऐसे में ये कर्तन जो है आरपीएससी के सामने आ रही थी। लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और